जय माता दी दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा, देखिए मैंने खंड ज्योति का निर्माण भी कर लिया है और हमें किस चीज़ से बचना है। खासकर ज़्यादातर पूजा पाठ घर में नवरात्रि के दिन में कौन सा माताएं हमारी बहनें करती हैं और किस चीज़ से हमें बचना है। एक चीज़ तो याद रखिए कि अखंड ज्योति के सामने गंदे कपड़े, गंदे बर्तन या अशुद्ध होकर जाना या फिर जूते चप्पल पहन के जाना, मन में श्रद्धा ना हो तो अखंड ज्योति के पास ना जाए, ना तो निर्माण ना करें। और एक चीज़ आज मैं आपको विशेषकर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिस घर में आप अखंड ज्योति का निर्माण करा होगा, जिस ज्योति का निर्माण किया होगा आपने, वहाँ पर यदि किसी स्त्री का घर में माँ बहन इत्यादि बहुत सारे होते हैं, मासिक धर्म आ जाता है तो हम छूतक में आ जाते हैं। और ऐसे परिस्थिति में उस माता बहन को जिस घर में ज्योति की स्थापना हो वहां जाना भी नहीं चाहिए। यह जाना लाभदायक नहीं है, हानिकारक होता है और अखंड ज्योति का वहीं भंग हो जाता है। इसलिए इस चीज का आप विशेष ख्याल रखिएगा, वहां नहीं जाना है और अखंड ज्योति आप अपने घर में जलाइए। और उसके दौरान, मासिक धर्म के दौरान, आपको अपने घर में भोजन भी नहीं बनाना है। ये विशेष ख्याल रखिएगा इस शारदीय नवरात्रा में। ये ऐसा ख्याल रखिए, आपकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपका दिन भी लाभकारी रहेगा और माता जी की कृपा भी आप पर बरसती रहेगी। और कभी आप जानते हैं कि यदि जिसने संकल्प लिया है और उस माताएं या बहने को मासिक धर्म आ जाए तो वो क्या करे, वो अपना संकल्प घर में किसी और को सौंप दे। संकल्प तोड़ना नहीं है, किसी और को सौंप देना है, वो पूजाएं करेगी, वो पाठ करेगी और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। आप घबराए नहीं कि मासिक धर्म आ गया तो मैं माता जी की पूजा नहीं कर सकता, आप किसी को सौंप देंगे, वो पूजा करेंगे, इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। नमस्कार।